दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल की कंप्लीट बायोग्राफी और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उनकी बायोग्राफी से। दोस्तों पराग अग्रवाल का जन्म 21 मई 1984 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। 2021 के हिसाब से इनकी उम्र 37 वर्ष की है। प्रोफेशन से पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ है। पराग अग्रवाल के पिता डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सीनियर ऑफिशियल थे और उनकी मां रिटायर्ड स्कूल टीचर। पराग अग्रवाल जब छोटे थे तभी उनकी सारी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी और फिर उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई एटॉमिक एनर्जी सेंटर स्कूल मुंबई से पूरी की। बाद में उन्होंने 2005 में IIT बॉम्बे से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद पराग अग्रवाल यूनाइटेड स्टेट चले गए और फिर वहां से उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी PhD की उपाधि प्राप्त की। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T लैब्स में एक इंटर्न के रूप में भी काम किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद पराग अग्रवाल एक एडवर्टाइजिंग इंजीनियर के रूप में ट्विटर से जुड़े। उन्होंने अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2017 तक उस पद पर कार्य किया। फिर 8 मार्च 2018 को ट्विटर ने अग्रवाल को CTO के रूप में उनका प्रमोशन कर दिया। 29 नवंबर 2021 को ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने सोशल मीडिया कंपनी के CEO का पद छोड़ने का फैसला किया। फिर उनकी जगह भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया। दोस्तों बात करें पराग अग्रवाल की नेशनैलिटी की तो ये अमेरिकन और इंडियन है। रिलीजन से पराग हिंदू है और इनका कास्ट बनिया है। अब दोस्तों जानते हैं इनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स हैं जिनकी फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी वाइफ का नाम विनीता अग्रवाल है। दोस्तों पराग अग्रवाल की एक बेटी भी है जिनकी फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इनके घर के बारे में। दोस्तों वैसे तो पराग अग्रवाल भारतीय है लेकिन अभी फिलहाल वे यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रह रहे हैं जहां पर वे ट्विटर के नए सीईओ के पद पर कार्य कर रहे हैं। अब दोस्तों जानते हैं पराग अग्रवाल की सैलरी और नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों कुछ मीडिया सोर्सेज की माने तो पराग अग्रवाल की सैलरी हर महीने $2.5 लाख है। वहीं बात करें इनकी नेटवर्थ की 2021 के हिसाब से तो इनकी नेटवर्थ है लगभग $1.5 मिलियन यानी इंडियन रुपीस में लगभग 11 करोड़ इंडियन रुपीस है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।